एक ओर जहां मोदी देश में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की मुहिम में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी उनके अरमानों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, मामला गोवर्धन तहसील का है, जहां बोरबा निवासी उदयवीर सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम उन्होंने जमीन खरीदी थी, जिसका दाखिला खर्च कराने के लिए उन्होंने पटवारी ओम प्रकाश बघेल से प्रार्थना की, लेकिन दाखिला खर्च के एवज में पटवारी जी ने उनसे 20,000 रुपए की डिमांड कर डाली। गरीब किसान बोला कि मैं इतने पैसे कहां से दूंगा, जिस पर 10,000 रुपए में बात फाइनल हुई। गरीब किसान ने जैसे तैसे पटवारी को 5,000 रुपए दे दिए। उसके 2 महीने बाद तक जब किसान का काम नहीं हुआ तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया और किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष को लेकर वो SDM गोवर्धन के पास जा पहुँचा और अपनी व्यथा सुनाई और आरोपी पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दिया। SDM साहब ने मामले की जांच कर कार्यवाही का भरोसा किसान को दिया है। आपसे इसके संबंध में आए मुख्य जी, आपने गाली गलौज पैसे वैसे का मैटर तो चलो ठीक है दे दिया, कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन किसान से गाली दिया गाली मैंने मंगल दिवस में दंगो तो मैंने कहा लौड़ा मंगल दिवस में बोलो साहब ना कहे तो सत्ता डर देंगे तुम पे नहीं ना नहीं कर रहे यार इसमें कर रहे हैं रुको बात मेरे सामने की बात है मेरे सामने की बात है मैं बता रहा हूं जी तो लग रहा हूं नियम ने चला के रखो कितना महीना हो गया कितना मानता हूं चलो मुझे जो जानकारी चाहिए मैं किसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। मुझे ये बताइए कि दाखिला खारिज कितने समय में होता है? बिल्कुल मेरे कितना समय में होता है, मुझे समय बताइए। मेरे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, मेरे सवालों के जवाब दें पहले। समय कितना चाहिए दाखिला खारिज के लिए, क्या समय बना रहे हैं? टाइम तो 2 दिन भी नहीं लगते, 2 दिन भी नहीं लगते समय पूरा होने के बाद। ठीक है, परंतु अभी कितना वक्त हुआ है, मुझे ये जवाब दें। नेताजी मेरी बात सुन ले, अभी 1 मिनट जस्ट 1 मिनट कितना वक्त हो गया मुझे ये बता दो अभी दाखिला खारिज को। करीब 2 महीना से ऊपर एक बोलो, तुम बोलो। लोन था उस पर, लोन कट के करीब 20-25 दिन 20-25 दिन फिर भी हो गए। लोन कटने के तुरंत बाद हो जाना चाहिए, बिल्कुल। क्यों ये समय लगा? अब मैं क्या करूं तुम्हारे सामने, ईश्वर के संबंध में लगाना ही बैठा नहीं, समय किस लिए लगता है? लेना देना नहीं है। 5,000 रुपए लिख लिया, 20,000 मांगे, 5,000 में दिए, थाने में दिए बैठ के। ऐसा सुनो, गलत जवाब नहीं देते, गलत आवाज बोलो। इनका आरोप है आपके ऊपर कि आपने 5,000 रुपए इनसे मांगे हैं। नहीं, 20,000 मांगे, 5,000 और इनका ये कह रहा है कि 5,000 रुपए आपको दे चुके हैं, दे चुके हैं। ये मैटर वहाँ भी जाएगा, योगी के पास भी जाएगा। अरे नहीं, योगी के पास भी जाएगा, काम हो तो रहा है मेरे। नहीं नहीं बिल्कुल, अब ये होने का मतलब क्या हुआ जब हम आपके सर पर चढ़ के आ गए तब ये काम हो? क्या नाम है सर? चौधरी बेदवीर सिंह। क्या पद है आपके पास? भारतीय किसान यूनियन से तहसील अध्यक्ष गोवर्धन। क्या समस्या लेकर आए आप? समस्या ये, किसान है, संपर्क किया किसान ने आगे साहब, कैसे पटवारी है काम ना कर रहा। पटवारी से होनी बात करी मैंने, भैया क्यों ना कर रहे? बोल साहब है जाएगा, 2 महीना तक घूम रहे हैं, आए फिर हम आए कि संपर्क करे हो तो पैसा की कह दीजिए, पैसा दे देंगे, लेकिन हम पैसा को मैटर ना आए, गाली गलौज की है, किसान परेशान कर रहे हैं ये। अब मुख्य चीज ये है कि वक्सिंग है नहीं, सीधी सीधी बात है। अब आया तो इसको लेकर सस्पेंड कराओ। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं, बंदा सस्पेंड होना चाहिए और बंदे को जो पैसे हैं वो पैसे वापस मिलने चाहिए और बंदे से माफी मांगे। SDM साहब से बात की? SDM साहब से बात करने जा रहे हैं, वहाँ कोर्ट चल रही है, उस वजह से नहीं जा पाए। बंदा पूरी तरह से हमें सस्पेंड चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों को एक को भी नहीं छोड़ना है। नायब साहब के संज्ञान में डाल दिया और बस SDM साहब का कोर्ट होता। नायब साहब ने क्या कुछ कहा है? नायब साहब ने SDM साहब से मिलने के लिए बोला है। आपका उदयवीर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? बोरबा के। क्या समस्या है आपकी? हम साहब पटवारी जी इनसे मिले। क्या नाम है पटवारी जी का? ओम प्रकाश जी। क्या समस्या लेकर आए? तो दाखिला खारिज होने हमारा, हमने थोड़ी सी जमीन ली पत्नी के नाम से, तो इनने मांगे हम पर 20,000 रुपया रिश्वत में। रिश्वत में पत्नी का क्या नाम है? दयावती। फिर हमने कही, मैंने कही इतने कम नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी साहब। फिर इनने कही 10,000 रुपया, फिर हम 5 इन्हें दे गए, 5 दे के मैंने ठीक है कह जाए काम। फिर हमें आगे 2 महीना करीब करीब डोलते 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 डोलते, तो इन्होंने दाखिला खारिज नहीं करा? नहीं किया था। फिर कल फोन करे मैंने शाम को इनसे, मान के मैंने पटवाई साहब वो लोन निकालना है और वो ऐसे ऐसे अपो काम में पैसा लगाने और वो नकल दो, मैंने नकल भाई आ जाएगी 4-6 दिन मेरे के, मैं मंगल दिवस में बताऊंगा दरखास्त, मंगल दिवस में दरखास्त देकर लोना कटवा ले मेरे, मैं ठीक है तो साहब हम आ रहे हैं सभी। आज आप यहाँ पे आए, आपने किससे शिकायत की है?
एसडीएम साहब को आपने संज्ञान में डाला है इसको? अभी शिकायत देंगे, अभी देंगे साहब शिकायत। पटवारी से आके आपने बात की, क्या करे वो पटवारी साहब? आप तो कर देंगे, अब तो कर देंगे काम। अच्छा, और पैसे के बारे में क्या करे? पैसे के बारे में जो करो पैसे दे देंगे तुम्हें, जो 5000 रूपए पैसे नहीं दे देंगे उनको वापस देने के नहीं कह रहा हो तो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।